नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी टॉपिक वाइज, तो जिसमें आज अपना 14 नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन नंबर 14 नंबर का टॉपिक है अपना और उसके आज उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। तो इसमें देखो, 10वीं कक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली बालिका को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? 10वीं कक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली बालिका को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 75% अंक प्राप्त करने पर गार्गी पुरस्कार मिलता है। दोस्तों याद रखना, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखो, चयनित बालिका विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के प्रसार हेतु संचालित योजना का नाम क्या है? चयनित बालिका विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के प्रचार हेतु संचालित योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्रेस प्रोजेक्ट। क्या है? ग्रेस प्रोजेक्ट, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों के कितने बालिका विद्यालयों में ग्रेस प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है? शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों के कितने बालिका विद्यालयों में ग्रेस प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 170 बालिका विद्यालयों में ग्रेस प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखो, बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो दोस्तों, 1998 में गार्गी पुरस्कार की योजना है वो बालिकाओं के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कब लागू हुई? इंदिरा प्रियदर्शनी योजना है ये दोस्तों 2010-11 में लागू हुई है, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखो, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 10 की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दी जाने वाली राशि है। यानी कि प्रत्येक जिला के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को दी जाने वाली राशि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के तहत कितनी है? 10वीं कक्षा की बात हो रही है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 75,000 दिए जाते हैं दोस्तों। कितने? 75,000। नेक्स्ट है, बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा कब शुरू हुई? तो दोस्तों, 2010-11 के अंदर बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा शुरू हुई थी 2010-11 में। नेक्स्ट है, साइकिल वितरण योजना में सरकारी विद्यालयों की कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाती है। साइकिल वितरण योजना में सरकारी विद्यालयों की कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाती है, तो दोस्तों कितनी कक्षा में? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखो, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की सुविधा प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए उनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी कम से कम कितनी होना आवश्यक है? यानी कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यालय से निवास स्थान के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर होनी चाहिए दोस्तों, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो इसमें देखो, बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा हेतु पात्रता है। तो दोस्तों, पात्रता कौन सी है बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा हेतु? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट में आने वाली प्रथम 5 छात्राओं को दोस्तों विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा की
हेतु पात्रता है, नंबर सॉरी 5 नहीं है दोस्तों, 3 है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 छात्राएं, 5 नहीं है, 5 नहीं 3 छात्राएं हैं दोस्तों, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसमें देखो, बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना कब शुरू हुई, तो कब शुरू हुई साइकिल वितरण योजना निःशुल्क, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007-08 में, नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना कब शुरू हुई, ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है कब शुरू हुई, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2007-08 में हुई थी दोस्तों, कब हुई थी 2007-08 में हुई थी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू। नेक्स्ट है, तो इसमें देखो, ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए पात्रता क्या है, तो इसके लिए जो पात्रता है तो वो देखो, निवास स्थान से अध्ययनरत विद्यालय के बीच की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है, ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं जो कक्षा 9 से 12 में अध्ययन कर रही है, न्यूनतम 5 बालिकाओं का समूह होना आवश्यक है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, आपकी बेटी योजना कब शुरू हुई, आपकी बेटी योजना है 2004-05 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य है, मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर की आवासीय विद्यालय खोलकर वंचित वर्ग की बालिकाओं तक शिक्षा पहुंचाना, ये इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, नंबर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है, तो इसमें देखो, जिला स्तर पर 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को किस पुरस्कार के तहत क्रमशः 75,000 और 1,00,000 रुपए की राशि जिस योजना के तहत दी जाती है वह है, तो दोस्तों वह योजना कौन सी है, तो दोस्तों यह योजना है इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार है दोस्तों, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखो, आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 1 से 8 में पात्र अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है, आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 1 से 8 में पात्र अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है वो दोस्तों कितनी है, 1100 रुपये है, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो, आपकी बेटी योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए अनिवार्य पात्रता क्या है, तो दोस्तों इसके लिए अनिवार्य पात्रता है वो देखो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की छात्राएं, राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत, माता पिता दोनों का अथवा एक का निधन हो गया हो, उपयुक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखो, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के तहत पात्र छात्रा को FDR प्रदान की जाती है, तो कितनी प्रदान की जाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3000 प्रदान की जाती है दोस्तों, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखो, सत्र 2013-14 से साइकिल वितरण योजना में छात्राओं से छात्रांश के रूप में राशि ली गई है, तो दोस्तों कितनी राशि ली गई है, तो दोस्तों कितनी भी राशि नहीं ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो दोस्तों 2007-08 में किया गया था ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखो, राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली उन बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से हैं तथा उनके माता या पिता में से किसी एक या अथवा दोनों का निधन हो गया हो,
तो दोस्तों ये अपनी बेटी योजना के अनुसार है, ठीक है। नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखो निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में बालिका फाउंडेशन की स्थापना का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जरूरतमंद बालिकाओं को रोजगार। ये दोस्तों इसका उद्देश्य नहीं है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखो 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाने वाली राशि है। तो दोस्तों 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाने वाली राशि है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,000 रुपये एक मुश्त। नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो इसमें देखो मेवात क्षेत्र में 10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है, यह योजना कब शुरू हुई। तो दोस्तों यह योजना है ये 2011-12 में शुरू हुई थी, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्र 2013-14 में साइकिल क्रय करने हेतु छात्राओं को कितनी राशि का चेक आवंटित किया गया था। तो दोस्तों कितनी राशि का चेक आवंटित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखो निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में पात्रता है, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में पात्रता है। तो दोस्तों देखो 9वीं कक्षा में अध्ययनरत उसी ग्राम की छात्राएँ, 9वीं कक्षा में अध्ययनरत अन्य ग्राम की छात्राएँ, 9वीं कक्षा में अध्ययनरत समस्त छात्राएँ, उपयुक्त सभी, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखो गार्गी पुरस्कार समारोह है प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है। तो कब आयोजित किया जाता है गार्गी पुरस्कार समारोह है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बसंत पंचमी पर दिया जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष गार्गी पुरस्कार। नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना किस कक्षा की छात्राओं के लिए है। तो दोस्तों किस कक्षा की छात्राओं के लिए है, तो कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं के लिए है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखो गार्गी पुरस्कार के तहत 11वीं व 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रथम व द्वितीय किस्त कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3,000 की राशि है वो प्रदान की जाती है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थोड़ी देर में दोस्तों फर्स्ट पेपर आने वाला है, उसके बाद में आज हिंदी का और इतिहास का और ज्योग्राफी का आज लगभग सारे पेपर आएंगे दोस्तों, 4 पेपर आएंगे जिसमें इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिंदी, ये 4 पेपर आएंगे दोस्तों और फर्स्ट पेपर। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी आराध्या आर्यस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।